चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है अर्थगंगा। तो चलिए अर्थगंगा मॉडल के बारे में विस्तार से बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में अपने आभासी मुख्य भाषण के दौरान अर्थगंगा मॉडल को प्रस्तुत किया है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि गंगा बेसिन की मदद से ही सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3% योगदान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्थगंगा परियोजना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को दोहराता है। वर्ष 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान वैश्विक जल चिंताओं को दूर करने के लिए प्रति वर्ष विश्व जल सप्ताह का आयोजन करता है। इसके साथ ही अर्थगंगा मॉडल की अवधारणा के बारे में अब हम बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने पहली बार 2019 में कानपुर में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान इस अवधारणा को पेश किया था, जहां उन्होंने गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना नमामि गंगे से अर्थगंगा के मॉडल में बदलाव का आग्रह किया था। यह अवधारणा पूर्व में गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है। देश के लोगों को अर्थशास्त्र की मदद से नदियों से जोड़ना अर्थगंगा मॉडल का मुख्य उद्देश्य भी है। अब हम बात करेंगे अर्थगंगा परियोजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। अर्थगंगा के तहत सरकार 6 कार्य क्षेत्रों पर कार्य कर रही है, जो निम्नवत हैं। इसमें पहला है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के तहत नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर पर रासायनिक मुक्त खेती और गोवर्धन योजना के माध्यम से खाद के रूप में गोबर की खाद को बढ़ावा देना शामिल है। दूसरा है कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुनर्मुद्रीकरण, यानी कि कीचड़ और अपशिष्ट जल का मोनेटाइजेशन से संबंधित ये है। इसके तहत सरकार ने कीचड़ और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना लक्षित किया है, जिसे सिंचाई और उद्योगों के लिए उपचारित किया गया है। राजस्व सृजन के लिए नदी से उपचारित जल की आपूर्ति शहरी स्थानीय निकायों को भी की जाएगी। इसमें तीसरी प्रमुख विशेषता है आजीविका का सृजन के अवसर पैदा करना। आजीविका का सृजन के अवसर पैदा करने से लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। तो अर्थगंगा के तहत हाट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर भी सृजित किए जाएंगे, जहां लोग स्थानीय उत्पाद, औषधीय पौधे और आयुर्वेद बेच सकेंगे, इनसे संबंधित सामग्रियां बनाकर बेच सकेंगे। चौथी इसकी विशेषता है सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना। इसके तहत अर्थगंगा योजना की मदद से लोगों की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, जिससे इस योजना को सफल बनाया जा सके। अगली इसकी विशेषता है सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना। इसकी मदद से गंगा बेसिन क्षेत्र में फैली सांस्कृतिक धरोहर और इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार के साथ साथ आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ाया जा सके। और इसकी छठी विशेषता ये है कि जल प्रबंधन को बढ़ावा देना। अर्थगंगा मॉडल की मदद से बेहतर जल प्रबंधन के लिए स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत भवन निर्माण को बढ़ावा देना भी इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। तो अब हम बात कर लेते हैं विश्व जल सप्ताह के बारे में, जिसके अवसर पर इस मॉडल की बात की गई है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर एक वार्षिक सम्मेलन है, जो प्रतिवर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इसे वर्ष 1991 में शुरू किया गया था, जो शुरू में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सार्वजनिक जल उत्सव का हिस्सा था। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान विश्व जल सप्ताह का आयोजन करता है। विश्व जल सप्ताह 2022 का विषय सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है।
कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।